स्टूडेंट्स हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल किरण पुनिया. लेट स्टार्ट आवर स्टडी विद स्माइली फेस एंड फ्रेश माइंड. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वेयर्स बाई यूजिंग द आइडेंटिटीज. आपको स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आइडेंटिटीज का यूज करके. हमने चार आइडेंटिटीज की थी. एक, जब दो नंबर एडिशन में होते थे उनका स्क्वेयर, माइनस में होते थे उनका स्क्वेयर, एक में ए प्लस बी ए माइनस बी, और हमारे पास एक में होता था एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हमें होल स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, और होल स्क्वेयर वाली तो दो ही आइडेंटिटीज थी, तो उनका यूज करने हैं आपको. एक्स वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वेयर फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास. एक्स वाई प्लस थ्री जेड होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, जब एडिशन होती है तो सारे नंबर के बीच में जो साइन होता है वो प्लस का होता है. क्या आता है? फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर प्लस में सेकंड नंबर का स्क्वेयर प्लस में टू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर. ये होती है आपकी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी. जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई भी क्या हो जाती है, एक्स वाई का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वेयर हो जाएगा अलग अलग. प्लस यहाँ भी दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो थ्री का स्क्वेयर नाइन और जेड का स्क्वेयर. प्लस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, टू थ्री जा सिक्स एक्स वाई जेड. तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास. टू बाई थ्री एम प्लस थ्री बाई टू एन होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू टू बाई थ्री एम फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर, प्लस है तो प्लस, सेकंड नंबर का स्क्वेयर प्लस में टू मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड. ठीक है, अब जब मल्टीप्लीकेशन में थे तो दोनों का स्क्वेयर होता था, तो जब डिवीजन में होंगे तब भी दोनों का स्क्वेयर होगा. टू का स्क्वेयर फोर, डिवाइड में थ्री का स्क्वेयर नाइन और एम का स्क्वेयर. प्लस थ्री का स्क्वेयर नाइन, टू का स्क्वेयर फोर, एन का स्क्वेयर एन स्क्वेयर. अब देखो, टू से टू कट हो गया, थ्री से थ्री कट हो गया, क्या बचा, प्लस टू एम एन. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस. अब यहाँ पे आपको पहले तो एक एक ही टर्म गिवन थी, उसी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना था. अब आपको दे देंगे, दो नंबर दे दिए उनका होल स्क्वायर फाइंड आउट करो, फिर उनको जैसे देखो ये दो है बार स्क्वेयर निकालना है ना, उनको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं हम. टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वेयर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, टू एक्स का स्क्वेयर प्लस फाइव का स्क्वेयर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई टू एक्स प्लस फाइव. माइनस माइनस पूरे के बाहर आएगा ना, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो. अब फर्स्ट का स्क्वेयर प्लस सेकंड का स्क्वेयर, माइनस है तो माइनस टू के साथ आता है, माइनस टू इंटू टू एक्स इंटू फाइव. ठीक है, टू एक्स का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर फोर एक्स स्क्वेयर, फाइव का स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव, टू टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी एक्स, माइनस टू एक्स का स्क्वेयर फोर एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी फाइव, टू टू ज़ा फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी एक्स. अब ये माइनस का साइन है, ये हटाएंगे हम. और माइनस क्या करता है आपका, जो नंबर प्लस होगा उसको माइनस बना देगा और जो माइनस होगा उसको प्लस बना देगा. ये माइनस ये प्लस तो आंसर माइनस, ये माइनस ये प्लस तो आंसर माइनस, ये माइनस ये माइनस आंसर प्लस. ठीक है,
अब ये प्लस फोर एक्स स्क्वेयर, ये माइनस फोर एक्स स्क्वेयर कट हो जाएंगे, ये प्लस 25, ये माइनस 25 कट हो जाएंगे। 20x प्लस 20x क्या बन जाएगा, 40x। तो ये 40x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस, माइनस है ना तो यहाँ माइनस आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, उसके बाद ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ब्रैकेट क्लोज। अब 2.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 6.25, पी है तो पी स्क्वायर, 1.5 का आ जाएगा 2.25, क्यू है तो क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इनका क्या आ जाएगा हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 pq माइनस, यहाँ पे 2.25 p स्क्वेयर 6.25 q, ये यहाँ पे p नहीं है q है, q स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 7.5 pq, हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने साइन माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे, 6.25 p स्क्वेयर प्लस 2.25 q स्क्वायर माइनस 7.5 pq, ये माइनस ये प्लस तो माइनस 2.25 p स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस तो माइनस 6.25 q स्क्वायर, ये माइनस बाहर भी माइनस तो प्लस 7.5 pq। अब देखो 6.p² वाले, देखो ये दोनों p स्क्वेयर वाले हैं और कोई नहीं है, ये 6.25 में से 2.25 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 4p² क्यू स्क्वेयर वाले देखेंगे तो ये दोनों हैं, ये 2.25 और माइनस 6.25 तो क्या बचेगा, माइनस 4q², ये दो टर्म बच गई, माइनस 7.5 pq प्लस 7.5 pq कट हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू क्लास।